यस गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो नवंबर 2020 एग्जाम जो लोग दे रहे हैं रिवीजन चल रहा होगा होप्सो अच्छा चल रहा होगा बड़ी मस्त वाली पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग और उसी रिवीजन में सपोर्ट करने के लिए आपके आईसीआई ने रिवीजन टेस्ट पेपर आर टीपी डिक्लेयर किया है आर निकाला है और आज हम इस लेक्चर में में देखने वाले हैं उस RTP में क्या कुछ नया है क्या है आर में वो मैं आपको बताने वाला हूं और उसके बाद में लास्ट में लास्ट मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है आप लोगों के लिए लास्ट में सरप्राइज क्या है अरे मोटिवेशन नहीं मोटिवेशन तो रहता ही है, है हर बार इस बार कुछ और सरप्राइज है तो आपके लिए ठीक है तो वो अपन लेक्चर के लास्ट में देखेंगे लास्ट के दो चार मिनट में मैं आपको बताऊंगा उस चीज के बारे में चलो स्टार्ट करते हैं तो सर हमको आरटीपी

आपको डाउनलोड करना है इसका प्रिंटआउट ले लेना है बेटर रहेगा आप लोग इसका प्रिंट आउट लोगे तो सो so, सब लोग इसका प्रिंटआउट ले लो और प्रिंट आउट लेने के बाद हम है वो आरटीपी का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो तो जो तुम्हारा आर है उस आर में सबसे पहले तो वही तुम्हारे अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें दे रखी है बट दिसमेंट इज ऑलरेडी कवर्ड इन द सेपरेट लेक्चर आप सेपरेट लेक्चर देख सकते हो कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है आर ओनली फ्यू नोटिफिकेशन और दैट आई ऑलरेडी इन द लेक्चर सो यू कैन चेक दैट लेक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट पार्ट डायरेक्टली वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द एमसीक्यूज सो हम क्या करेंगे डायरेक्टली एमसीक्यूज पे जाते हैं और हम लोग एमसी क्यूज पे जाते हैं चलो ऑन द पेज नंबर तो ऑन द पेज नंबर ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं एमसी दे रखे हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चालू करते हैं एमसी को एक बात बता दू इस बार एमसी है वो नए एमसी है कुछ अच्छे एमसी है तो देखते हैं देखो आप लोग पहले खुद भी ट्राई करोगे और अगर आपको खुद से आंसर नहीं मिलता है तब आप इस वीडियो की हेल्प लोगे अगर आप डायरेक्टली वीडियो की हेल्प लेते हो मैं नहीं चाहता एक बार आप खुद पढ़ो खुद ट्राई करो और उसके बाद जो है वो मेरा एक्सप्लेनेशन देखो अगर आपसे आंसर नहीं मिलता है तब आप ये वाला वीडियो है वो एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए देखोगे तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है द फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटिंग टू द फोर रेजिडेंट एंटिटी रेजिडेंट एंटिटी दैट इज ए बी एंड कंपनी एलिमेंट कंपनी एक्सवाई एंड कंपनी एंड कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी से रिलेटेड आपको ये डिटेल दे रखी है सबसे पहली चीज इनका नेचर ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन दे रखा है एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है एंड कंपनी है वो भी एक पार्टनरशिप फर्म है पी क्यू एंड कंपनी है जो कि एक एल एल पी है और एक्स वाई एंड कंपनी है वो भी आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है अब एक चीज समझता आगे क्या दे रखा है नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एबीएन कंपनी इज रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस Element company that is firm is having a business of plying, hiring, and leasing of goods carriages that is transporter business basically. PQ and company is a LLP, they are having the wholesale trading business. And XY and company that is partnership firm, they are the interior decorator. Interior decorator is basically a professional, interior decorator covered under the professional. So they are professional firm. System of accounting AB and company follow mercantile system element company follow the cash system pq company follow the mercantile and xy company follow the cash system after that they have given you the turnover and gross receipt detail so first retail trading your gross receipt is 200 lakhs 200 lakhs means 2 crore here for element company 101 lakhs pq and company 100 lakhs and xy and company turnover is given as 50 lakhs amount received by way of the rtgs or neft

अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ द कैश इन द प्रीवियस मीन करंट ईयर में आपको जो कैश मिला वो कैश आपको थर्टी ट्वेंटी वन टेन एंड फाइव लैक मिला अमाउंट रिसिव बाय वे ऑफ द आर टी जी एस और एनई एफ टी बिटवीन फर्स्ट अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड थर्टी सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी अपना प्रीवियस ईयर 1920 1920 है तो 1920 के के एंड बाद अप्रैल 2020 से लेके 2020 तक आपको जो पैसा मिला वो आर टीजीएस टी से मिला पहली वाली जो फर्म है उसको मिला 20 लाख सेकेंड को कुछ नहीं और थर्ड वाले को 20 लाख है वो आपको मिला है आपसे कुछ और डिटेल दे रखी है वर्किंग पार्टनर का आपको सैलरी दे रखा है और वर्किंग पार्टनर का सैलरी दे रखा है पहले वाले का फाइव लैख सेकेंड इज टू वन पॉइंट फाइव लैख लैक एंड फोर्थ इज अ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल दैट इज ट्वेल्व परसेंट पेड टू द पार्टनर मीन पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया है एज पर सेक्शन फोर्टी बी ट्वेल्व परसेंट अलाउ होता है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड टू लैख है वो आपको इंटरेस्ट दे रखा है उसके बाद आपसे पूछा है प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट में तो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से उनका जो प्रॉफिट है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डिडक्ट करने के बाद फर्स्ट का फाइव पॉइंट है सेकेंड का फोर पॉइंट वन लैक है थर्ड का 4.5 पॉइंट फाइव लैक है एंड लास्ट का ट्वेंटी लैक है प्रॉफिट एज पर दुकस ऑफ अकाउंट नंबर नंबर ऑफ ऑफ व्हीकल व्हीकल ओन ओन एंड बाय द एक ही कंपनी है जो ट्रांसपोर्टर बिजनेस में था दैट इज द बेसिकली एलिमेंट कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म है वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में थे उनके पास टेन व्हीकल है तो देखो अगर मैक्सिमम टेन व्हीकल है तो वो कौन सा वाला बेनिफिट ले सकते हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं फोर्टी फोर ए का देखते आगे क्या देखा है इट मे बी अज्यूम दैट पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट इट मे बी अज्यूम दैट पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट आर ऑथोराइज बाय द पार्टनरशिप डीड रिलेट्स टू पीरियड आफ्टर दार्टनरशिप डी एंड इज विन दर्मिजिबल लिमिट लेट डाउन अंडर सेक्शन बी तो आपसे बोल रहे पार्टनरशिप डीड में सैलरी और इंटरेस्ट का क्लॉज है और जो भी इनको दे रखा है वो आपका लिमिट के अंदर है और यह प्रोस्पेक्टिव दिया गया है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं दिया गया बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिवली देते हैं तो अलाउ नहीं होता है द डिटेल ऑफ वहीकल ओन बाय एलिमेंट कंपनी आर एज फॉलो जो एलिमेंट कंपनी है उनके जो व्हीकल्स का डिटेल है वो आपको दे रखा है तो टोटल उनके पास दस व्हीकल है अब ये ग्रॉस व्हीकल वेट आपको दे रखा है केजीज में अब एक बात समझता, केजीज, मतलब इज अ टन होता है तो मैं यहां पे बोल दूट टन के आपके पास तीन नंबर ऑफ व्हीकल है डेट ऑफ परचेज दे रखी है और डेट व्हेन इट इज फर्स्ट पुट टू तो यूज है वो आपको दे रखा है सेकेंड व्हीकल है जो नाइन थाउजेंड का है और आपको ये डिटेल दे रखी है करके ठीक है अब अपन एक 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 क्वेश्चंस पे चलेंगे तो क्वेश्चंस तो से ही अपने को पता चलेगा इसमें निकालना क्या है फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो चूज द मोस्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्वेश्चन गिवन बिलो आपको क्या करना है बेस्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको बताना है सबसे पहला विच ऑफ द फोर एंटिटीज विच फोर एंटिटीज आर एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन द प्रेजमटिव बेसिस अंडर द इनकम टैक्समेंट इंटरटिव बेसिस बोलू एक तो तुम्हारी एक फोर्टी फोर ए करके ठीक है ये तो तीन आती है उसके बाद में हम नॉन रेजिडेंट के लिए फोर्टी फोर बी फोर्टी फोर बी बी ए फी फोर बी बी फोर्टी फोर ट्रिपल बी एंड ऑल दैट इज एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट एंड ऑल सो so, यहां पे जो डिटेल दे रखी है बेसिकली ये रेजिडेंट वाली डिटेल दे रखी है तो रेजिडेंट के लिए बेसिकली तीन आपकी सेक्शन लग सकती है एक तो तुम्हारा फोर्टी फोर एडी लग सकता है दैट इज एट परसेंट और ऑफ एंड दूसरा तुम्हारा जो है वो फोर्टी फोर एडी लग सकता है चलो देखते हैं कौन कौन से प्रिजम्प्टिव बेसिस टैक्सेशन ले सकता है अगर मैं पहली बात करूं तो ये सब पहली चीज तो इन्होंने बोला है कि ऑल आर द रेजिडेंट एंटिटी ठीक है सबसे पहले एबीएन कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म इनका रिटेल ट्रेडिंग का बिजनेस है मीन दे आर एंगेज इन द बिजनेस एंड बेटा उनका जो टर्नओवर है वो 200 हंड्रेड है एक्जैक्टली मैं बोलू 2 करोड़ का टर्नओवर है तो क्या ये लोग फोर एडी का बेनिफिट ले सकते हैं यानी फोर्टी फोर एडीज एप्लीकेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म बट अदर देन एल एल पी इफ यूर टर्न ओवर इज अपू करोड़ यू कैन ऑप्ट द फोर्टी फोर एडी सो आंसर इज यस दे कैन ऑप्ट ये लोग ले सकते हैं कौन सी सेक्शन ले सकते हैं फोर्टी फोर एडी है वो ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दूसरी चीज एलिमेंट कंपनी है दे आर द बेसिकली एंगेज इन द पार्टनरशिप फॉर्म एंड दे आर एंगेज इन सो इनके पास दस वहीकल वही है मैक्सिमम टेन वहीकल टेन से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑप्ट द सेक्शन फोर्टी फोर ए सेक्शन सो हियर दे कैन ऑप्ट द सेक्शन फोर्टी फोर ए इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही है नेक्स्ट पार्ट PQ एंड कंपनी दे आर हैविंग द LLP. ये बेसिकली एक LLP है और होलसेल ट्रेडिंग में बिजनेस है तो एक बात बताओ बिजनेस के केस में आप फोर्टी फोर एडी ले सकते हो बट फोर्टी फोर एडी इज नॉट एप्लीकेबल टू एल एपी रेजिडेंट इंडिविजुअल एडी नहीं ले सकते फोर्टी फोर एडी प्रोफेशनल के लिए होती है वो भी नहीं ले सकते 44 A ही ले सकते हैं नहीं वो ट्रांसपोर्टर के लिए होती है तो ये नहीं ले सकते लास्ट एक्स वाइन कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म है रेजिडेंट है इंटीरियर डेकोरेटर है इंटीरियर डेकोरेटर मीन प्रोफेशनल है अब एक बात समझना इनका ग्रॉस रिसिट है वो एक्सैक्टली अपू फिफ्टी लैक है अप exactly टू है माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कैन के दे

what is the business income to be declared by abn and company and pqn and company abn company is the first one and pqn and company for the assessment year 2021 assuming that the entity wish to make the maximum tax saving without getting their books of accounts audited means they don't want to audit their books of accounts means a presumptive basis taxation lena chate hai. अगर मान लो इनको ऑडिट नहीं करवानी है बात कर रहे हैं एबीएन कंपनी एंड पी क्यू एंड कंपनी तो एबीएन कंपनी एंड पी क्यू एंड कंपनी को अगर यह करना है तो उस केस में उनकी बिजनेस की इनकम कितनी होगी ऑडिट नहीं करवाना यह चाहते हैं ऑडिट नहीं करवाना कौन एबीएन कंपनी एंड पी क्यू एंड कंपनी अब एक बात बताओ जब मैं बात करूं एंड कंपनी की दैट इज द फर्स्ट रिटेल ट्रेडिंग वाला बिजनेस अब एक बात बताओ एबीएन कंपनी है वो फोर्टी फोर एडी ले सकती है तो फोर्टी फोर एडी ले सकती है तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अब अगर आप फोर्टी फोर एडी अगर आप लेते हो तो आपकी इनकम कितनी होती है एट परसेंट पीजीबीपी एट परसेंट ऑफ टर्न ओवर बट इफ योर टर्न ओवर इज रियलाइज बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग देन यू कैन टेक द सिक्स परसेंट यू कैन टेक द सिक्स परसेंट सो गाइज हियर टर्न ओवर इज टू करोड़ So, they can go for the 4480. Now, try to understand what amount of turnover received by account paycheck, account pay demand draft, any mode of electronic clearing system, and what is the cash turnover. So, for cash turnover, we will take the 8%, and for the account paycheck, account pay demand draft, and electronic clearing system turnover, we will take the 6% as your business income. So, here gross turnover is 2 crore. Now, next part amount received by way of the RTGS or NEFT in the previous year 1920 itself. So, 1920 itself they receive the 150 uh, lakhs. So, I can say that this amount will be multiplied by this amount will be multiplied by this amount will be multiplied by 6%. So, just take the 6% of the 150 lakh. So, 1 crore 50 lakh multiplied by 6%, it comes to the 9 lakh. So, 9 lakh, this income is 9 lakh. Now, next part amount received in cash you have to multiply by 8%. So thirty lakh multiplied by eight percent, it comes to two lakh forty thousand. And next part, that amount received by way of the RTGS or NEFT means that is also online uh, uh, like turnover NEFT RTGS. But between first April two thousand twenty to thirtieth September two thousand twenty. So first thing, uh, make one change because if SSC follow forty four AD, in that case obviously due date of return filing will be thirty first July two thousand twenty. Okay. So what I am saying that Ke section 44 AD says that 6% benefit is available if your turnover is realized by account pay check, account pay demand draft or any mode of electronic clearing system through bank account up to the due date of return filing. So here due date of return filing will be 31st July 2020. So on this 20 lakh also you have to multiply by 6%. On this 20 lakh also you have to multiply by 6%. So 20 lakh multiply by 6% it comes to the 1 lakh and 20,000. It comes to the 1,20,000. So what will be your total PGBP income in this example? That is 9 lakh plus 2 lakh 40,000. 9 lakh plus 2 lakh 40,000 plus 1 lakh 20,000. It comes to the 12 lakh 60,000. 12,60,000 will be your PGBP income. Now guys, whenever you opt section 44 AD, is partner remuneration and interest is allowed as deduction? Answer is no. That is not allowed as deduction. So your final PGBP income will be 12,60,000 only. Now they are asking about the PQ and company. What will be the income of the PQ and company? They don't want to audit their books of account. But you know that PQ and company, they can't take the presumptive basis taxation, one more thing, what is the turnover of PQ and company? In this example, turnover of PQ and company is only one uh, like hundred lakhs that is one crore only. So even they are engaged in the business and turnover is up to one crore, then audit is not applicable at all. Audit is not applicable at all, so whatever income as per their books of accounts that will be their final income. So in this example, their income is a 4.5 lakh. So we will take the 4.5 lakh as an income and profit as per books of accounts, and after deducting working partner salary and interest on. Capital that already they deducted. So when they are going for the normal provision, then partner salary and partner remuneration and uh, interest can be deductible. They already deducted. So income will be 4.5 lakh. So in this example, if they want uh, don't want uh, to go for the audit, then their income will be 12 lakh 60 thousand for the ABN company and PQN company is a 4.50. So your right answer in this example, this case will be the A. A will be your right answer. You got my point or not? अरे बोलो ना समझा के नहीं समझा रे थोड़ा ऐसे हिंदी में बोलते हैं ठीक लगता है तुम लोगों को चलो नेक्स्ट पार्ट वी डिक्लेयर बायनीम विशेष टू मेक मैक्सिमम सेविंग विदाउट गेटिंग इट्स बुक्स ऑफ ऑडिटेड दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू ऑडिट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो टैक्सेशन दिजमटिट कंपनी जस्ट यू हैव टू चेक वॉट इज द इनकम So, element company is basically a transporter. Yes, element company is a transporter. So you, uh, transporter, you have to calculate the income on the basis of the vehicle, heavy vehicle, light vehicle, and all, all. All people, just pay attention. Now, what will be the income in case of the heavy vehicle? Heavy vehicle means any vehicle. जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 12 टन से ज्यादा है अगर ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज्यादा है उसको हैवी व्हीकल बोलेंगे उस केस में आपका पर का पर होगा। पर पर मंथ 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 का का इनकम इनकम 1000 1000 टन टन होगा विल बी योर और, और पार्ट ऑफ द अगर हैवी व्हीकल है तो लेकिन अदर व्हीकल है तो, तो 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर एवरी व्हीकल है वो अपन लेंगे तो अब एक बात बताओ इसमें से कौन से हैवी व्हीकल है और कौन से तुम्हारे अदर व्हीकल है और आई कैन से दैट लाइट व्हीकल मीडियम व्हीकल है हैवी व्हीकल किसको

यहां से लेके यहां तक ये यह जितने भी व्हीकल है उसमें हर व्हीकल का पर मंथ का इनकम है वो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आएगा एंड इसका पर मंथ का इनकम है वो थर्टीन थाउजेंड आएगा बिकॉज थर्टीन टन इज अ ग्रॉस व्हीकल वेट तो ग्रॉस व्हीकल वेट इज अ अटीन टन मल्टीप्लाई बाय पर टन सो थर्टीन थाउजेंड विल बी द मंथली इनकम नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आप कैसे कैलकुलेट करोगे इनकम आप एक चीज समझना यहां पे इनकम निकालते टाइम आपको परचेज की डेट लेनी है या पुट टू यूज की डेट लेनी है आंसर इज पुट टू यूज से कोई मतलब नहीं है कैलकुलेट द इनकम सेक्शन है आपका ग्रॉस वहीकल वेट जो एट थाउजेंड वाला है आप सब जगह इनकम सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लोगेड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री वही मल्टीप्लाई बाय थ्री वेहिकल मल्टीप्लाई बायथ सो देचेज इन द मंथ ऑफ द मे सो आई कैन से दैट अप्रैल को छोड़ दो मे ले लो तो यहां पे आपके कितने 11 मंथ है मैं यहां पे पहले मंथ भी लिख लेता हूं सेकेंड वाले में अप्रैल मे जून को छोड़ दो तीन महीने को छोड़ो जुलाई लो तो आपका नाइन मंथ आफ्टर दैट अप्रैल मे जून जुलाई चार महीने को छोड़ दो तो आपका आठ महीना हो गया यहाँ पे आपका सात महीना हो गया आफ्टर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च यहाँ आपका पाँच महीना हो गया और यहाँ पे आपका चार महीना हो गया दैट इज दिसंबर जैन फेब एंड okay.

सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई नाइन मंथ इट्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड व्हीकल ओनली वन व्हीकल मल्टीप्लाई दिक्कटी थाउजेंड आफ्टर दैट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लायन 52,500. उसके बाद में आपका लास्ट वाला वन टू थ्री फोर हो गया वन टू थ्री फोर हो गया हाँ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय वन व्हीकल मल्टीप्लाई बाय फाइव दैट इज थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड लास्ट इज थर्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टू वहीकल मल्टीप्लाई बाय फोर मंथ इट्स कम्स टू द वन लैख एंड फोर थाउजेंड राइट ओके मेक द टोटल वन लैख फोर थाउजेंड प्लस

क्शन फोर्टी फोर एन वॉट एवर रेम्युन एंड इंटरेस्ट पेड टू दर्टनर मीन एवर यून फोर्टी फोर एन रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर फोर्टी फोर एडी एंड एडीए में नहीं होता फोर्टी फोर एडी और एडीए में सॉरी ए में होता है सो इन दिस एक्साम्पल वट इज योर रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू दार्टनर So, in this example, your remuneration and interest to the partner is 1.5 and 0.5. It comes to the 2 lakh. So just reduce the 2 lakh from this amount. So 2 lakh, if you reduce the 2 lakh, then your remaining amount will be 4 lakh 36,500. So 4 lakh 36,500, that will be 4 That will be your right answer. Next part. Question number 4. What is the income to be declared by XY and company under the head PGBP? for assessment year 2021 for assessment year 2021 assuming that the firm wishes to make the maximum tax saving without getting its books of accounts audited they want to audit so here in the last example that is related to the xy and company so xy and company is engaged in the professional so they are professional their income is a 50 their turnover is 50 lakh their actual income is 20 lakh

ऑब्वियसली देखो फोर वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं फोर वाले पार्ट जो था दैट इज प्रोफेशनल वाला पहले वो देखते हैं प्रोफेशनल वाले में आपकी जो इनकम है वो ट्वेंटी लाख है प्रोफेशनल वाले में आपकी इनकम ट्वेंटी लाख है आफ्टर टेकिंग द रेमरेशन इंटरेस्ट एंड ऑल सो ट्वेंटी लैख है अगर आप ट्वेंटी लैक बताना चाहते हो तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी करके ठीक है और थर्ड वाला जो पार्ट था वो किससे रिलेटेड था थर्ड वाला पार्ट वॉज रिलेटेड टू द या थर्ड वाला पार्ट जो थार पॉइंट फोर लैख टेन थाउजेंड बट आपने जो फोर्टी फोर ए के हिसाब से इनकम निकाला दैट इज द फोर थर्टी सिक्स हंड्रेड तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है आप बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से अगर आप कम, कम बताते हो तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी अगर आप कम बताते हो तो

न दूटी वैल्यू वॉज ओनली वन पॉइंट फाइव लैक मीस उस दिन स्टेम्प ड्यूटी वैल्यू सिर्फ वन जीरो फाइव लैख था मिस्टर हरी हैड रिसीव डाउन पेमेंट ऑफ फिफ्टीन लैख बाई एन ई एफ टी फ्रॉम राजेश ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट अग्रीमेंट की डेट पर आपको पैसा मिल गया था कितना मिल गया था पंद्रह लाख और वो भी एनई एफ टी से मिला था मिस्टर हरी हैज परचेज द बिल्डिंग फॉर 50 लाख ऑन 12 जुलाई 2018 में हरी ने खरीदी थी वो 50 लाख में बिल्डिंग खरीदी थी अब एक बात बताओ जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन करते हो आपको नॉर्मली तीन सेक्शन हमेशा याद रखनी है एक तो सेक्शन फिफ्टी सी एक सेक्शन फोर्टी थ्री सी ए और एक तुम्हारी सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू टेन

होलसेल ट्रेडर फोर अन वन फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी यहां पर रवि करके एक बंदा है और दोनों ट्रेडर है, मतलब ट्रेडर में इस रियल नहीं है तो दोनों के लिए कैपिटल वन द स्टेप ड्यूटी वैल्यू वॉज सेवेंटी बेचा कितने में पचास लाख में स्टेप ड्यूटी वैल्यू कितना है सेवेंटी है दग्रीमेंट वॉज हाउ एवर एंटर्ड इन टू ऑन वन एट टू थाउजेंड नाइनटीन अग्रीमेंट पहले हो चुका था

रवि हैज परचेज द बिल्डिंग फॉर थर्टी टू लैक ऑन सेवनटीन ऑगस्ट टू थाउजेंड एटीन बेस्ड ऑन द अबोव फैक्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्वेश्चन गिवन बिलो आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे उसमें आपको बताना है ठीक है चलो सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी इन रेस्पेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन अंडर द अंडर विच हेड आल्सो आपको दो चीजें बतानी है कि हरी के हाथ में इनकम कितनी टैक्सेबल होगी और कौन से हेड में होगी देखो हरी इज अ प्रॉपर्टी डीलर तो पहली चीज तो यह कि प्रॉपर्टी डीलर है और इमोवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा है तो बिजनेस में इनकम जाएगी अब एक बात बताओ बिजनेस में इनकम जाएगी लेकिन बिजनेस की इनकम निकालोगे कैसे आप निकालोगे एक तो सेल प्राइस लोगे और माइनस आपका कॉस्ट लोगे यहां पे इंडेक्सेशन तो वगैरह कुछ होगा नहीं तो उसका कॉस्ट कितना था हैज परचेज द द बिल्डिंग फॉर तो 50 उसका कॉस्ट था सेलिंग प्राइस क्या लोगे तो सेलिंग प्राइस आपका 100 है लेकिन एक बात बताओ आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105 जीरो फाइव लैक है तो नॉर्मली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना चाहिए लेकिन आपको पता है मैंने आपको बताया था एक टॉलरेंस बैंड होता है 5 परसेंट का टॉलरेंस बैंड है 5 का अगले अगले साल साल से से ये टॉलरेंस बैंड भी 10 हो गया वो अगले साल से तुम्हारे लिए नहीं, के लिए नहीं नवंबर तो तो के में है, या नहीं? आंसर है तो इस केस में बेटा आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा तो यहां हंड्रेड वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा रिमेनिंग कितना बचेगा फिफ्टी लैख ंग इज योर फिफ्टी लैक्स फिफ्टी लैख इसका जो है वो पीजीबीपी का इनकम बनेगा किसका मिस्टर हरिका तो देखो हरिका पीजीबीपी का इनकम बनेगाबल सेकंड क्वेश्चन इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन ऑफ मिस्टर राजेश इन रेस्पेक्ट ऑफ अब ट्रांजेक्शन क्या राजेश के हाथ में कोई टैक्सेबल होगा कहा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इफ सो वट इज द अमाउंट अंडर द एंड विच हैस्टैंड राजेश की मैं अगर बात करूं तो राजेश के लिए आई एफ ओ एस में टैक्सेबल हो सकता है जब भी जो खरीदार होता है और एसडीवी से कम में खरीदता है तो इट मे बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बट गाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए सेक्शन कौन सी होती है दैट इज द सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू टेन होती है एंड फिफ्टी सिक्स टू टेन क्या बोलती है 56210 है वो 56210 क्या बोलती है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेस करते हो और वो लो कंसिडरेशन पे करते हो एंड इफ एसडीवी एंड कंसिडरेशन का डिफरेंस फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है एंड एसडीवी इज मोर देन वन जीरो फाइव परसेंट ऑफ कंसिडरेशन इन दैट डिफरेंस विल बी टैक्सेबल अब एक बात बताओ यहां एसडीवी एंड कंसिडरेशन का डिफरेंस जो है वो तो फाइव लैक है

इन रेस्पेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन अंडर विच हेड ऑफ इनकम मीन्स यार रवि के हाथ में क्या होगा और कौन से हेड में वो टैक्सेबल होगा तो अगर मैं रवि की बात करूं सेकंड वाला केस स्टडी का सिनेरियो रवि एक रिटेल ट्रेडर था जिसने रेसिडेंशियल हाउस बेचा था तो उसके लिए वो कैपिटल असेट थी तो ये पार्ट है कैपिटल गेन में जाएगा पहली चीज अब सर कैपिटल गेन में जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा तो देखो उसने बेचा तो फिफ्टी लैक में है लेकिन एसडीवी सेवेंटी लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन की डेट का क्योंकि अग्रीमेंट की डेट से पहले पेमेंट मिला है बट वो क्रॉस चेक से मिला है वो अकाउंट पर चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्लेनिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं मिला तो आपका वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो आप सेवेंटी लाख लोगे अब एक बात बताओ माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म तो एक बात बताओ यहां पे 17 अगस्त 2018 को खरीदा था एंड फर्स्ट फेब 2020 को बेच रहे पीरियड ऑफ होल्डिंग इज नॉट मोर देन टू लैख यहां पर आपका शॉर्ट टर्म होगा और शॉर्ट टर्म होगा तो यहां थर्टी टू है वो आपका कॉस्ट आ जाएगा तो सेवनटी लैख माइनस थर्टी टू लैख इट्स कम एट लैक इज अट टर्म कैपिटल गेन ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा थर्टी एट

यहां पे एक बात बताओ आपका एस कितना लोगे है एस डीवी इज सेवेंटी लैख कंसिडरेशन इज फिफ्टी लैख सो डिफरेंस इज ट्वेंटी लैख एंड इज दैट डिफरेंस इस केस में दैट इज मोर देन वन जीरो मोर देन वन जीरो आंसर इज यस बिकॉज फिफ्टी लैख का आप अगर 1.05% करोगे, it comes to आपका 52 यहाँ पे 52 तो आपका 52.5 52.5 पे से ज़्यादा है है, तो तो 20 20 का ये में हो जाएगा वेलिश तो वेलिश के हाथ में आपका 20 लाख टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बी विल बी द राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट पार्ट इज टैक्स डिडक्टेबल बाय मिस्टर राजेश

If it is less than 50 lakh, TDS is not applicable. So, my question to all of you is exactly 50 lakh TDS is applicable or not? Answer is yes, it is applicable. So in the first case your consideration is basically 100 lakh obviously TDS is applicable second case your consideration is exactly 50 lakh is TDS is applicable answer is yes it is also applicable because if it is less than 50 lakh then only TDS is not applicable in this example it is exactly 50 lakh your consideration TDS is applicable so i can say that in the both cases your TDS is applicable so is tax deductible by rajesh and walish on the making the payment to the seller yes tax is deductible at source by both mr rajesh and walish right answer is a, a next part next question that is question number third. the following are particulars relating to the 4 indian companies namely a limited b limited c limited and d limited so char companies are related they have given you the data फर्स्ट इज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड का डिटेल क्या दे रखा है डेट ऑफ सेटिंग अप एंड रजिस्ट्रेशन सो ए लिमिटेड इज सेट अप एंड रजिस्टर्ड ऑन द फर्स्ट से फर्स्ट इलेवन टू थाउजेंड नाइनटीन फर्स्ट इलेवन टू थाउजेंड नाइनटीन मेन ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इन द मध्य प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टिल इन द मध्य प्रदेश

ग्रॉस टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ट्वेंटी एंड टू पॉइंट एट करोड इज फॉर बी लिमिटेड पर्टिकुलर ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी न्यू एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी सो नए एंप्लॉय आपने हायर किए नंबर ऑफ़ ऑफ़ न्यू ऑन द द डेट सेटिंग कंपनी कंपनी दोनों ने एक-एक नए फर्स्ट नवंबर को किए होंगे सेकेंड पार्ट सो फाइव हंड्रेड एम्प्लॉय ऐसे जिनका ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर मंथ का रेम्यूनरेशन uh, है सो मंथली एमोलूमेंट टू बाय अकाउंट पे ही चेक से ही पे कर रहे हो और 500 हंड्रेड एम्प्लॉय ऐसे जिनका 25,100 पर एम्प्लॉय है पर मंथ और उधर अगर बी लिमिटेड का देखो तो 24,000 पर एम्प्लॉय है यहाँ पे और 26,000 पर एम्प्लॉय है यहाँ पे 500 का सो so 500 500 सौ एम्प्लॉय का बाइफर्केशन दे रखा है नेक्स्ट सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड का और आपको डेटा दे रखा है C limited that is date of setting up the registration means one for two पहले से setup है और ये डीलिमिटेड है ये से है मेन ऑब्जेक्टिव क्या ट्रेडिंग इन द लेदर लेदर गुड्स सो दे दे आर आर इन इन द द ट्रेडिंग आल्सो ट्रेडिंग ऑफ द फूड ग्रीन्स उसके बाद इनका प्लेस कहां है पहले का तमिलनाडु दूसरे का कर्नाटक आपका टर्न दे रखा है इनकम रिटर्न और असेस फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी आपको दे रखा है ट्वेंटी 2021 का इनकम एज पर द रिटर्न ऑफ इनकम आपका ये रिटर्न के हिसाब से इतना था डिटरमाइन अंडर सेक्शन वन फोर्टी थ्री वन दैट इज द इंटीमेशन के हिसाब से इतना था एंड इनकम अड अंडर सेक्शन थ्री थ्री दैट इज असेसमेंट के हिसाब से आपका इतना इनकम था ये तीनों का सेम चीज उसकी भी दे रखी है डीलिमिटेड की फ्रॉम द अब डिटेल चूज द मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके सामने कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं। बड़े ही ये जो एमसीक्यू है देखो क्या लिखा हुआ है सबसे पहला वॉट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द बी लिमिटेड मीन आपको बी लिमिटेड का टैक्स लाइबिलिटी निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन इफ इट अवेल्स द बेनिफिशियल टैक्स रेट अंडर द स्पेशल प्रोविजन इंसर्टेड बाई टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन इन द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन बाय फुलफिलिंग द कंडीशन स्पेसिफाइड दियर अंडर Miss, जो आपकी नई सेक्शन आई है कंपनीज के लिए वो लेना चाहती है ये बेनिफिट लेना चाहती है और ये टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट पहले आपको पता है मैं बोलता था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2019 सो दैट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2019 थाउजेंड इज वापस उसको ऑर्डिनेंस को जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो उसके बाद उसको बोला जाता है टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट टू तो उसके हिसाब से जो सेक्शन आई है उसका उसको बेनिफिट लेना चाहते हैं एक बात बताऊं दो सेक्शन आई है एक तो आपकी आई है वन वन फाइव बी डबल ए आई है और एक तुम्हारा वन वन फाइव बी ए बी आई है वन वन फाइव बी डबल ए में आपको ट्वेंटी टू परसेंट टैक्स लगता है 115 में आपको ट्वेंटी टू परसेंट टैक्स लगता है और प्लस टेन परसेंट सरचार्ज होता है और फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है और वन वन फाइव बी ए बी जो होता है उसमें आपका पंद्रह परसेंट टैक्स लगता है दस परसेंट आपका सरचार्ज है एंड फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वन वन फाइव बी डबल ए कोई भी ले सकता है लेकिन वन वन फाइव बी ए बी है वो सिर्फ एंड सिर्फ मैनुफैक्चरिंग कंपनी ले सकती है और उसमें भी एक डेट हुआ करती है कि फर्स्ट अक्टूबर या उसके बाद में बिजनेस चालू हुआ है तो ही आप ले सकती है

स्पेशल प्रोविजन के हिसाब से ही कैलकुलेट किया हुआ है स्पेशल प्रोविजन के हिसाब से ही कैलकुलेट किया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम मतलब डिडक्शन से पहले वाला अब एक चीज समझना आपको अगर याद रहेगा तो सबसे पहली चीज बी लिमिटेड जो है वो फर्स्ट इलेवन टू थाउजेंड नाइनटीन को सेटअप हुई है फर्स्ट अक्टूबर या उसके बाद हुई है तो एक बात बताओ और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अपेरल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो आप मुझे एक बात बताओ क्या ये ये सेक्शन 115 ले 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 सकती 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 है ये भी ले सकती है 115 ले सकती है है या भी, भी कोई दिक्कत नहीं क्या प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फर्स्ट अक्टूबर 2019 थाउजेंड है उसके बाद में आपने स्टार्ट किया है कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी है ले सकती है कोई दिक्कत नहीं कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है बाकी सब अब एक चीज समझना अगर आप 115 वन ले, ले लेते हो तो आपकी इनकम कितनी होगी वो आपको निकालनी है तो सबसे पहले एक बात बताओ पहली चीज तो इसकी जीटीआई आपको यहां दे रखी है जी टी आई इस टू पॉइंट एट करोड़ अब एक बात बताओ इसमें से कोई डिडक्शन आप ले सकते हो या नहीं तो आपको याद रहेगा तो अगर आप 44 सॉरी डबल ए या ए भी लेते हो तो आप कोई भी डिडक्शन इनकम बेस नहीं ले सकते बट एक्सेप्ट तो पे दे रखा है न्यू वाला, न्यू को आप करते हो, वो ले सकते हो तो अगर डिडक्शन मेरे को देख पड़ेगा एटी डबल जे डबल ए मिलता है या नहीं पहले वो देखेंगे अब एक चीज समझना एटी डबल जे डबल ए आपको मिलता है कब मिलता है जब आपने न्यू एंप्लॉय रिक्रूट किए और उनको जो सैलरी देते हो उसका थर्टी परसेंट मिलता है अब एक चीज समझना थर्टी परसेंट मिलता है लेकिन उसमें कंडीशन थी कि वो एम्प्लॉई है वो टू फोर्टी डेज उस साल में काम करना चाहिए लेकिन एक उसका एक्सेप्शन था कि अगर वो ऑफ अपेरल्स में है तो तो वहां डेज काम करेगा तो भी चलेगा अब एक बात बताओ पहली चीज तो यहां वन इलेवन टू थाउजेंड नाइनटीन को यह चालू हुआ है तो एम्प्लॉ वन इलेवन टू थाउजेंड नाइनटीन को रिक्रूट किए है तो आप मुझे बताओ इस साल में कितने दिन उन्होंने काम किया तो कितने दिन काम किया तो मैं बोलूं नवंबर का 30 दिसंबर 31 राइट दिसंबर थर्टी वन जनवरी थर्टी वन 29 ट्वेंटी नाइन आएगा फेब ट्वेंटी नाइन एंड मार्च थर्टी वन इट्स कम्स टू द 152 फिफ्टी टू डेज तो क्या वन फिफ्टी डेज

पर एम्प्लॉय का पर मंथ का सैलरी और टोटल 500 हंड्रेड है तो मैं बोलू यहां कितना सैलरी होगा 500 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर एम्प्लॉय एंड मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मंथ नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च दैट इज द फाइव मंथ सो देखो कितना आता है ट्वेंटी फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई बायर फाइव हंड्रेड एम्प्लॉय मल्टीप्लाई करोड़ बट आउट ऑफ द दिक्स करोड़ योर विल बी द डिडक्शन सो मल्टीप्लाई बाय इट्स कम्स टू द करोड़ सो हियर करोड़ इज योर डिडक्शन तो योर एन टी आई विल रिमेन वन करोड़ वन करोड़ आपका एन टी आई रहेगा अब आप मुझे बोलोगे कि ये छह करोड़ जो एम्प्लॉय का सैलरी है ये लेस नहीं होगा क्या अरे वो तो लेस हो गया होगा ना क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपको ग्रॉस टोटल इनकम ही दे रखा है तो जब आपको जीटीआई दे रखा है तो ऑब्वियसली वो पहले ही लेस हो गया होगा अब एक बात बताओ वन करोड़ है और अगर आप वन वन फाइव बी ए भी लेते हो तो आपका ये बिजनेस का इनकम है उस पर पंद्रह परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा तो आप एक काम करो इस पर पंद्रह परसेंट टैक्स निकालो तो वन करोड़ इज मल्टीप्लाई बाय करोड़ इज मल्टीप्लाई बाय परसेंट प्लस टेन परसेंट सरचार्ज एंड प्लस फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सो योर नेट टैक्स विल बी सेवनटीन लैक्स सिक्सटीन थाउजेंड

इन इनकम टैक्स एक्ट निकिलिंग कंडीशन एंड वॉट एवर जी टी आई इज गिवन दैट इज द एज पर स्पेशल प्रोविजन ही है ऐसा आप मान लो ठीक है चलो अब एक बात बताओ यहाँ ए लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो ए लिमिटेड पहली चीज तो फर्स्ट नवंबर फर्स्ट सेप्टेंबर 2019 को स्टार्ट हुआ है तो ये 115 BA भी तो नहीं ले सकता लेकिन क्या वन वन फाइव बी सकता है क्या दिक्कत है कोई भी कंपनी भले हो या नहीं भी हो वन वन फाइव बी डबल तो ले ही सकता है और वो बाइस परसेंट वाला लेना चाहते हैं तो चलो इनका जो जीटीआई दे रखा है वो फोर पॉइंट नाइन करोड़ दे रखा है अब आपको यह देखना है कि यहाँ पे एटी डबल जे डबल ए का डिडक्शन मिलेगा या नहीं अब एक बात बताओ क्या ये अपेरल्स में है नहीं तो यहां टू फोर्टी डेज देखेंगे आप काउंट करो कितने डेज होते हैं सेप्टेंबर मंथ में ज्वाइन किया तो सेप्टेंबर का तीस अक्टूबर का थर्टी वन नवंबर इज थर्टी दिसंबर थर्टी वन जनवरी थर्टी वन फेब इजी नाइन एंड मार्च इजी वन इट्स कम्स टू द डेज डेज तो मैं आपको ये बोलू इस साल में एम्प्लॉय जो है वो टू फोर्टी डेज से ज्यादा काम नहीं किया तो यहां पे बेटा 240 डेज या उससे ज्यादा काम नहीं किया तो उस केस में यहां पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है यही आपका बन जाएगा एनटीआई अब जब एन टी आई ये बन जाएगा तो इस पर सीधा आप टैक्स निकाल दो कितना परसेंट बाईस परसेंट है वो टैक्स लगाओ इसमें टेन परसेंट आप सरचार्ज जोड़ो एंड फोर परसेंट आप हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ के मुझे बताओ आपका कितना होता है तो यहां पे अगर मैं आपको बोलू दैट इज uh, आपका फोर करोड़ 90 लाख फोर करोड़ नाइनटी लाख मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू परसेंट प्लस टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट इट्सेंड थ्री ट्वेंटी राइट करोड़ मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी टू परसेंट प्लस टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट इट्स टू या वन करोड़ ट्वेंटी थ्री लैख थर्टी टू थाउजेंड थ्री ट्वेंटी सो लेट सी आंसर है क्या नहीं है

Assume that the 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 gross total income reflect the computation under under special special provision. provision So you have computed under special provision and ignore the mat. आप को mat ignore करो और आप ये बताओ उनका क्या निकालना tax liability वाह बाबा वाह tax liability निकालना चलो तो हम पहले जो ये इतना सारा किया है उसको एक बार थोड़ी देर के लिए हटाते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा चलो एक बात बताओ मुझे

आप इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आप नहीं ले सकते एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं ले सकते आप इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं ले सकते 35 जो सेक्शन है उसमें जो आपको 150% परसेंट वाले डिडक्शन वो नहीं ले सकते 33 थ्री ए बी ए बी ए नहीं ले सकते 35 फाइव सी 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 थर्टी फाइव सी सी डी नहीं ले सकते तो ऐसे बहुत सारे पी जी बी पी में डिडक्शन है जो आप नहीं ले सकते तो अब एक बात बताओ मैं बोलूं ये मैन्युफैक्चरिंग में थे और जब ये इनकम जो निकाली है ये स्पेशल रेट्स के हिसाब से निकाली है स्पेशल प्रोविजन से निकाली है तो अब नॉर्मल प्रोविजन से अगर आप जा रहे हो तो आपको एडिशनल डेप्रिशिएशन इन्वेस्टमेंट अलाउंस वगैरह जो मिलना है वो मिलना चाहिए तो मैं बोलू स्पेशल प्रोविजन के हिसाब से आपकी जो इनकम है वो टू करोड़ है अब मुझे एक बात बताओ इन्होंने यहां पे एक चीज दे रखी है मशीन न्यू प्लांटेड मशीनरी इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज ऑन डेट ऑफ द सेटिंग ऑफ द कंपनी मीन यहां पे चार करोड़ का आपने न्यू प्लांटेड मशीनरी इंस्टॉल किया कौन सी डेट को फर्स्ट इलेवन टू को एक बात बताओ जब आप 115 वन और बी ए बी और तो आपको नॉर्मल तो मिलता है बट एडिशनल डेप्रीशियशन नहीं मिला होगा तो एडिशनल डेप्रीशियशन आप कैलकुलेट करो कितना आता है तो अगर मैं एडिशनल डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करता हूं लेकिन यहां एक चीज समझना दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन द वरंगल ऑफ द तेलंगाना ये आपको याद है वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना वेस्ट बंगाल तो वहां एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता था थर्टी फाइव परसेंट और आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी पंद्रह परसेंट मिलना चाहिए मिलता था तो यहां पे वरेंगल ऑफ द तेलंगाना है वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में आता है देखो इंस्टीट्यूट को बेसिकली इतना देना नहीं चाहिए था वेरेंगल क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी आप देखोगे आईसीआई मटेरियल में क्या दे रखा है ये नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के जो नाम है ये सिर्फ आपको ये रेफरेंस के लिए दे रखे कि ये नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं बट वैन इट्स कम्स टू द दी की उन्होंने वेरेंगल तेलंगाना नाम पूछ लिया यहां है सो so, आप ये समझो अभी तो कोई भी नाम अगर आपको मिलता है तेलंगाना में ठीक है आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल में तो आप समझना ये नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है और नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है तो आपका एडिशनल डेप्रीशिएशन कितना होगा 35 परसेंट लेकिन एक बात बताओ जब आप एडिशनल डेप्रीशिएशन लोगे वो थर्टी लोगे बट एडिशनल डेप्रिशिएशन यहां तो पुट टू यूज लेस देन वन डेज है क्योंकि वन इलेवन टू को स्टार्ट हुआ है एडिशनल डेप्रीशिएशन एडिशनल पॉइंट 17.5 परसेंट आ जाएगा तो 17.5 परसेंट ऑफ फोर करोड़ करो सो हियर फोर करोड़ मल्टीप्लाई सेवनटीन 17.5 परसेंट इट्स कम्स टू योर 70 लाख, सो कैन आई से दैट 70 करोड़ 0.70 करोड़ आपका एडिशनल डेप्रीशिएशन आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा आंसर यस इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी परसेंट निकालोगे इट्स कम्सटी लैख सो कैन आई से पॉइंट सिक्स जीरो करोड़ अब आप देखो आपका जी कितना आया अब आप देखो आपका जी आया टू पॉइंट एट माइनस पॉइंट सेवन 2.8 minus 0.7 minus 0.6 it comes to the 1.5 now you know that 80 double j double a ka deduction 80 double j double a we have calculated that is 1.8 crore So here GTI is करोड़ करोड़ आप कितना ले सकते हो हो तो यहां आपकी है है वो निल हो जाएगी यहां पे कोई भी income नहीं आ रही है, बी लिमिटेड, सो बी लिमिटेड अगर प्रोविजन से जाती है 115, के हिसाब से नहीं जाती नॉर्मल प्रोविजन से जाती है तो इनका इनकम है वो nil है कोई टैक्स नहीं आएगा बट अगर ए लिमिटेड नॉर्मल प्रोविजन से जाती है तो तो एक बात बताओ ए लिमिटेड का आपको इनकम कितना दे रखा है करोड़ करोड़ दे रखा है तो सबसे पहले आप आ जाओ करोड़ मैं यहां पे ले रहा हूं ठीक है है दैट इज इनकम जो दे रखा है, दे रखा रखा जीटीआई फोर पॉइंट नाइन करोड़ दे रखा है बट ये स्पेशल प्रोविजन से निकाल रखा है तो इसमें से आपका एडिशनल डेप्रिशिएशन लेस होगा और इन्वेस्टमेंट अलाउंस बट इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो इसमें मिलेगा नहीं क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू किया है अब आपका एडिशनल डेप्रिशिएशन मिलेगा टेन करोड़ पे बट टेन करोड़ पे कितना मिलेगा आपका ट्वेंटी मिलेगा क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट को किया था, सॉरी ट्वेंटी परसेंट से मिलेगा तो टेन करोड़ मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टेन मल्टीप्लाई बाय तो आपका रिमेनिंग इनकम कितना बच गया 2.9 करोड़ बचा अब एक बात बताओ इसमें से कोई डिडक्शन मिलेगा क्या आंसर इज नो एटी डे डबल जे डबल ए का नहीं मिलेगा क्योंकि वो एम्प्लॉयड टू फोर्टी डेज या उससे ज्यादा एम्प्लॉयड नहीं है तो इनकी इनकम हो जाएगी टू पॉइंट नाइन करोड़ अब मुझे एक बात बताओ, करोड़ पे रेट क्या लेंगे अगर मान लो वन वन फाइव बी डबल ए या वन वन फाइव बी ए बी नहीं ले रहे हो तो आपको नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स रेट से जाना पड़ेगा और नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स रेट कितनी रहती है या तो ट्वेंटी फाइव परसेंट या थर्टी परसेंट

तो 1718 का टर्नओवर जो है वो तो आपका निल है मतलब है ही नहीं है ही नहीं तो क्वेश्चन ये आता है क्या 25% परसेंट का बेनिफिट ले सकते हो यानी आंसर नहीं ले सकते आप आंसर इज नहीं ले सकते मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी ये बताया था कि आप नहीं ले सकते देखो लॉ में लैंग्वेज बड़ी क्लियर है कि कंपनी में होनी चाहिए और उसका टर्न ओवर टू फोर हंड्रेड करोड़ होना चाहिए इन दिस केस दैट कंपनी वॉज नॉट एग्जिस्ट इन दैट ईयर तो यह बेनिफिट पच्चीस वाला मिलेगा ही नहीं यहां तीस आपका टैक्स लगेगा तो मैं बताऊं टाइन करोड़ पे आप थर्टी टैक्स कैलकुलेट करो यहां पे जब आप थर्टी परसेंट टैक्स कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है देखो टू करोड़ी लैख मल्टीप्लासेंट इट्स इनकम इज मोर देन वन करोड़ सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट सेवन परसेंट आप सेवन परसेंट सरचार्ज एड करो तो एटी सेवन लैख प्लस सेवन परसेंट इट्स टू दिक्स लैख नाइन थाउजेंट सो टोटल एवन लैख

इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा नहीं 80 डबल जे डबल ए मिलेगा नहीं हाँ हाँ सी लिमिटेड डी लिमिटेड से मतलब नहीं तो ए का तो 9681360 और उसका निल टैक्स लायबिलिटी 9681 360 एंड निल सो डी विल बी योर राइट आंसर डी विल बी योर राइट आंसर नेक्स्ट पार्ट पॉइंट नंबर फोर, बड़ा खजना क्वेश्चन है ना ये वाला हां वॉट क्वांटम ऑफ पेनल्टी पेबल लिमिटेड अंडर इज नॉट ड्यू टू दिस रिपोर्टिंग एंड नन ऑफ द एडिशनल मेड ऑन असमेंट क्वालिफा टू फोर सेवेंटी ए सबसे स्पेशल प्रोविजन इंस टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन मीस उन्होंने वगैरह नहीं लिया जो सी लिमिटेड है वो सी लिमिटेड का आपको ये बताना पेनल्टी कितना होगा 270A का अंडर रिपोर्टेड पे। तो देखो सबसे पहली चीज तो देखो यहां पे अंडर रिपोर्टेड से रिलेटेड कुछ आपको सी लिमिटेड से रिलेटेड है C Limited है वो बेटा देखो डेट ऑफ सेटिंग अप 2000 में है लेदर का बिजनेस है ट्रेडिंग में तमिलनाडु है प्रीवियस ईयर का ये आपको टर्नओवर का डिटेल दे रखा है एक बात बताओ या टर्नओवर का डिटेल आपको सी लिमिटेड के केस में दे रखा है तो सी लिमिटेड का टैक्स रेट क्या होगा आपको देखना सेवनटीन एटीन का टर्नओवर कितना था तो का टर्नओवर फोर नाइनटी नाइन करोड़ था तो आपका टैक्स रेट अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो आपको थर्टी परसेंट का टैक्स रेट लगेगा अब एक बात बताओ आपको पूछा है अंडर रिपोर्टेड इनकम का पेनल्टी मैंने आपको बोला था रिटर्न की इनकम से अगर ये इंटीमेशन की इनकम बढ़ जाती है ये जो बढ़ जाती है ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं है आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है चार करोड़ देखो आपका इंटीमेशन के बाद जितना असेसमेंट में इनकम बढ़ जाता है दैट इज द योर अंडर रिपोर्टेड इनकम सो इन दिस एग्जांपल योर फोर करोड़ इज अंडर रिपोर्टेड इनकम अब इस फोर करोड़ पे टैक्स कैसे निकालोगे तो टैक्स निकालने का बड़ा सुंदर तरीका था मैंने आपको बताया था पहले आप टैक्स किस पे निकालोगे बताए पहले आप टैक्स निकालोगे जो भी तुम्हारा लाइक क्या बोलते हैं पहले आप टैक्स निकालोगे लाइक uh, बीस like, uh, करोड़ पे पहले आप टैक्स निकालोगे बीस करोड़ पे मैंने बोला था आप टैक्स कैसे निकालोगे सोलह करोड़ प्लस चार करोड़ मीन पहले आप बीस करोड़ पे टैक्स निकाल दो जो भी टैक्स आता है उसमें से माइनस कर दो सोलह करोड़ पे जो टैक्स है जो सोलह करोड़ पे टैक्स है वो माइनस कर दो जो भी आएगा दैट इज टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम अब एक बात बताओ जब आप बीस करोड़ पे टैक्स निकालोगे सोलह करोड़ पे टैक्स निकालोगे थर्टी टैक्स रेट है ध्यान रखना सरचार्ज भी लगेगा बारह ध्यान रखना सरचार्ज लगेगा 12 परसेंट और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस परसेंट आप टैक्स निकालो आप पहले 20 करोड़ पे टैक्स निकालो और 20 करोड़ पे टैक्स जो आता है इंक्लूडिंग सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से जो भी टैक्स आएगा फिर 16 करोड़ पे टैक्स निकालो ऑन द 16 करोड़ टैक्स कैलकुलेट करो एंड रिड्यूस दैट वट अमाउंट आपको मिलता है उसका 50 परसेंट आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम पे पेनल्टी रहेगा उसका 50 परसेंट है वो आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम पे पेनल्टी रहेगा तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूं चार करोड़ पे इनकम मैं चार करोड़ पे टैक्स डायरेक्टली निकाल देता हूं मैं डायरेक्टली निकालते टाइम लेकिन मैं कंसिडर करूंगा सरचार्ज को ध्यान रखना ठीक है तो देखो करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़ ट्वेंटी लाख प्लस ट्वेल्व परसेंट सरचार्ज लाइक आप टैक्स निकाल रहे हो ट्वेंटी एंड सिक्सटीन करोड़ पे तो जब ट्वेंटी करोड़ सिक्सटीन करोड़ पे टैक्स निकालोगे तो आपका ट्वेल्व परसेंट सरचार्ज आएगा ना दस करोड़ से ज्यादा इनकम है तो एंड प्लस फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सो आप ट्वेंटी करोड़ पे टैक्स निकालो फिर सिक्सटीन uh, करोड़ पे टैक्स निकालो लेस कर दो आपका आंसर आएगा मोस्टली वन थर्टी सेवन सेवन सिक्स जीरो इसका फिफ्टी परसेंट पेनल्टी रहेगा सो पेनल्टी अमाउंट विल बी सिक्सटी नाइन लाख एटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स लाख एटी एट थाउजेंड एंड एट हंड्रेड सो बी विल बी नेक्स्ट पार्ट क्वान्टी पेबल बा अंडर सेक्शन टू सेवेंटी अंडर रिपोर्टेड इनकम इज ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग टू हंड्रेड परसेंट पेनल्टी अज्यूम दट डी लिमिटेड हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द स्पेशल प्रोविजन इंसर्टेड बाई टैक्सेशन लॉ स्पेशल प्रोविजन ऑप्ट नहीं किए उन्होंने तो क्या टैक्स रेट रहेगा कितना पेनल्टी आएगा डी लिमिटेड के लिए तो एक बात बताओ मैं पहले डीलिमिटेड की अगर बात करूं तो आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना माना जाएगा सिर्फ टू माना जाएगा टू किस पे निकालोगे पहले आप टैक्स निकालो ट्वेंटी टू करोड़ पे और उसमें से लेस करो ट्वेंटी करोड़ का टैक्स ट्वेंटी करोड़ का जो टैक्स है वो लेस करो जो भी बचेगा दैट टैक्स का टू हंड्रेड परसेंट इज योर पेनल्टी सो सरचार्ज ध्यान रखना टैक्स रेट इज 25 परसेंट आ हियर टैक्स रेट इज बाय 25 परसेंट बिकॉज इन द प्रीवियस ईयर 1718 योर टर्नओवर ओवर इज अप टू 400 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 1718 योर टर्नओवर ओवर इज अप टू 400 करोड़ सो हियर टैक्स रेट विल बी 25 परसेंट सो आई थिंक फाइव ओ ओ ओ लाख ट्वेंटी आया फिफ्टी एट लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड है टू हंड्रेड परसेंट सो वन करोड़ लाख फोर्टी एट थाउजेंड वन करोड़ लाख फोर्टी एट थाउजेंड विल बी योर राइट आंसर डन ओके सर एक घंटा लग गया सिर्फ तीन अभी तक अपने क्वेश्चंस हुए बट तीनों बहुत जबरे थे जबरे वाले करके ठीक है में से तीसरा सबसे ज्यादा जबरा था पहले और दो तो ठीक थे बट तीसरा वाला जो था जिसमें ये बहुत सारी कंपनियों का और इसके साथ 25%, 30%, में में सब टैक्स रेट घुमा दिया यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या लिखा हुआ है अब देखो आपके सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन ए लिमिटेड इंडियन कंपनी ब्रॉडबैक इट्स लिस्टेड शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर एंड बी लिमिटेड इज इंडियन कंपनी इट्स अनलिस्टेड शेर फ्रॉम द शेयर होल्डर इन दफ दार्वेंट वॉट आर टैक्सेंड बीड एक रेट से ट्वेंटी परसेंट का टैक्स रेट रहेगा बारह परसेंट का आपका सरचार्ज रहेगा एंड फोर परसेंट का आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा तो ट्वेंटी परसेंट प्लस ट्वेल्व परसें प्लस फोर परसेंट इट्स टू द्वेंटी थ्री पॉइंट

कि जो तुम्हारा ये दूसरे वाला राजेश है राजेश का 80 इयर्स का एज है तो 80 इयर्स का एज है तो इसकी तो बेसिक एग्जामिशन ही पांच लाख है तो आपकी इसकी इनकम ही पांच लाख है तो इसको तो कोई टैक्स आएगा ही नहीं जब 80 इयर्स का उसका क्या है इनकम है जब 80 इयर्स जो है वो 80 इयर्स का बेसिकली उसका 80 इयर्स का एज है तो उसकी बेसिक तो अगर मान भी लो तो उस रिपोर्टेड इनकम कितना टैक्स तो निकालो और टैक्स का फिफ्टी आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा तो एक बात बताओ मैं एट लाख पे अगर टैक्स निकालता तो सीनियर सिटीजन है सिक्सटी का एज है ठीक है तो सिक्सटी का एज है तो थ्री लैखिक सो थ्री लाख टू फाइव लैक टेन और सिक्सटी थाउजेंड इज दी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड प्लस फोर परसेंट करो सेवेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड

in the previous year 1920 from the indian company a limited in pursuance of agreement with the a limited approved by the central government x and company does not have a fixed place of business in india whereas the y and company has a fixed place of profession in india and in context is effectively connected with such fixed place of profession means whatever contract contract is basically effectively connected with the fixed place of profession the revenue expenditure incurred by x and company

मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा ध्यान रखना मैंने कॉम्पैक्ट में भी दे रखा है आप अगर बात करोगे रॉयल्टी की एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अगर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को मिलती है तो वो कैसे टैक्सेबल होती है उसके दो पार्ट सबसे पहली चीज क्या उसका पी इंडिया में है और दूसरा उसका पी इंडिया में नहीं है अगर पी इंडिया में है तो क्या होगा पी इंडिया में नहीं है तो क्या होगा अब एक बात बताओ मैं इसको एक बार इधर लिख लेता हूं पी इंडिया में है और पी इंडिया में नहीं है पी इंडिया में नहीं है तो क्या होगा और अगर पी इंडिया में है तो क्या होगा पी इंडिया में नहीं है ना तो उस केस में क्या होता है सीधी एक सेक्शन लगती है वन वन फाइव आपकी ए और वन वन फाइव ए क्या बोलती है कि जो भी तुम्हारा रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल है वो ग्रॉस अमाउंट जो है ना वो टेन परसेंट से टैक्सेबल हो जाता है इसके सामने कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे टेन परसेंट से आपका रॉयल्टी एफ टी एस नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है टैक्सेंट से ठीक है लेकिन अगर इंडिया में पी है तो फिर अपन क्या करेंगे पी का बनाएंगे और पी का पी एंडल बनाने के बाद अगर पी है तो पी का पीएनडल बनाने के बाद जो भी यहां पे नेट इनकम आएगा वो आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा और ये सेक्शन कहां लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है फोर्टी फोर डी ए करके एक सेक्शन होती है और 44 डीए में लिखा हुआ है लेकिन एक चीज समझना जब आप 44 डीए के हिसाब से वो एल बनाओगे ना तो एल बनाते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि भैया उसमें सिर्फ वो ही खर्चे अलाउ होंगे जो एक्सक्लूसिवली इंडियन बिजनेस से रिलेटेड है जो एक्सक्लूसिवली इंडियन बिजनेस से रिलेटेड है वही खर्चा और और जो पी ने हेड ऑफिस को कोई री एम्बर्समेंट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ था वो अलाउ होगा बाकी अलाउ नहीं होगा अगर आप रेगुलर बैच है तो रेगुलर की बुक में आप देखना पीजीबीपी में फोर्टी फोर डी ए है वो दे रखा है मैंने अब एक चीज समझना तो मैंने आपको यह बोला था भैया जो पी है उसका जो पीएनडल बनेगा वो पीएनडल में खर्चे कौन से अलाउ होंगे जो एक्सक्लूसिव इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है जो इंडिया का पी है उससे एक्सक्लूसिव खर्चे अलाउ होंगे और पी .E. ने जो हेड ऑफिस को या किसी और पी .E. को खर्चा दिया है वो अलाउ नहीं होगा तो देखो आपसे पूछा है टैक्स कैसे लगेगा अब इस क्वेश्चन में ये दोनों पार्टनरशिप फर्म है मीन एंड कंपनी एंड वाई एंड कंपनी बोथ आर पार्टनरशिप फर्म तो एक बात बताऊं मैं दोनों पार्टनरशिप फर्म है और उनको एफ मिल रहा है इसमें ऐसा देखा है एक्स एंड कंपनी जो है वो उसका इंडिया में पी नहीं है तो मैं बताऊं एक्सेंड कंपनी का पी नहीं है तो एक्सेंड कंपनी जो है एक्स एंड कंपनी उसके लिए ग्रॉस रॉयल्टी टेन परसेंट से टैक्सेबल होगा अब ग्रॉस रॉयल्टी टेन परसेंट से टैक्सेबल होगा तो एक बात बताओ एक्सेंड कंपनी का ग्रॉस रॉयल्टी कितना है बीस लाख है तो बीस लाख जब आपका टैक्सेबल हो जाता है और 20 लाख पे टैक्स रेट कौन सी रहेगी ऑब्वियसली 10 परसेंट रहेगी इसके सामने 2 लाख का खर्चा किया है, बट वो अलाउ नहीं होगा क्योंकि होता है। जो हमारी से वन वन फाइव ए बी वन वन फाइव ए सी वन वन फाइव ए डी जो एनआर के लिए एफ आई आई के लिए वहां ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है उसके सामने कोई खर्चे अलाउ नहीं होते हैं अब एक चीज समझना यहां टेन परसेंट है वो टैक्सेबल होगा तो टेन परसेंट से टैक्सेबल करोगे तो कितना आ जाएगा टू लैक आ जाएगा अब एक बात बताओ सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा दैट डिपेंड्स ऑन द इनकम बट ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म में सरचार्ज तभी लगता है जब एक करोड़ से ज्यादा का इनकम हो मीन इनकम इज मोर देन वन करोड़ तभी सरचार्ज लगता है इन दिस केस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल देर नो सरचार्ज सरचार्ज इज एप्लीकेबल हेल्थ एंड एजुकेशन सेबल इज यस आपको हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन मल्टीप्लाई बाय फोर परसेंट इट्स टू द एट थाउजेंड सो टोटल टू लैख एट थाउजेंड नाउ हियर वाई एंड कंपनी इज है इंडिया

Amount paid by fixed place that is PE.

फर्म उससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो फॉरेन कंपनी होता तो फोर्टी परसेंट होता यहां दोनों है तो आप थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लगाओगे और फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज नहीं लगेगा तो आपका 17 ,00 का आपकांड्रेड उजेंड एंड फाइव थर्टी फोर हंड्रेड देखो मैं बताऊँ ना कभी कभी अगर आपका एक आंसर आ गया तो दूसरा समझ लेने का क्योंकि क्या होता है मेनी टाइम जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपको सेकंड वाला पार्ट पता नहीं होता बट पहले वाले का आप, आपको वन वन फाइव ए का प्रोविजन पता था कि ग्रॉस पे टेन परसेंट निकालना है तो देखो टू लैख तो एट तो अपने आप है इंडियन कंपनी बोरोड मनी फ्रॉम बी आई एन कंट्री इन बी बी में एक कंट्री है उससे बी आई सी से पैसा उधार लिया है C Limited in country लिमिटेड इन कंट्री D डी लिमिटेड country आई E लिमिटेड इन कंट्री मतलब चारों से उधार लिया इन्होंने और कुछ काम था नहीं पैसे उधार लेते घूम रहे ये लोग B Limited, C Limited, D Limited, E Limited, सबसे उधार लिया है ए लिमिटेड ने अमाउंट बोरो कितना है 15 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़ करंट ईयर इंटरेस्ट कितना पे किया वन पॉइंट फाइव करोड 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, करोड़. और 1.5 करोड़, दैट टोटल इंटरेस्ट कितना टू द फाइव करोड़ एंड करोड़ टोटल इंटरेस्ट एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ ए लिमिटेड आंसर इज यस सी लिमिटेड इज नो बट डी लिमिटेड इज यस आई कैन सेक्शन आती है इंटरेस्ट की लिमिट वाली 94 फोर बी और 94B में कितना इंटरेस्ट अलाउ होता है थर्टी परसेंट ईबीआईटीडीए वाला याद आया आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में अब आगे क्या देख रखा है देखो देखते हैं आई हैज प्रोवाइडेड अ लोन प्रोवाइडेड गारंटी ऑफ लोन टेकन बाय ए लिमिटेड फ्रॉम सी लिमिटेड यहां क्या बोला है पता है आपने लोन सी लिमिटेड से लिया मीन लोन आपने सी लिमिटेड लिया करोड़ का बट इसके लिए गारंटी आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने लिया है तो मैं बताऊं ये एंटर बी में आ जाएगा ये भी 40 में आ जाएगा क्योंकि जब इन्होंने आपकी एसोसिएट ने गारंटी दिया आपने कहीं और से लोन लिया तो वो भी फोर्टी बी की लिमिट में आ जाएगा चलो ये भी आ जाएगा ये भी एसोसिएट से ही माना जाएगा नेक्स्ट हैज द द करोड़ विद ई लिमिटेड

EBITDA का इंटरेस्ट थर्टी परसेंट अलाउ है 70 है तो एक बात डायरेक्ट वन आंसर सेकेंड आपको जो मैंने आपको बताया था मैंने आपको क्या बोला था आपको क्या करने का दैट इज सबसे पहले लेने का डिस अलाउड आइटम कैसे डिस अलाउड कितना निकालोगे विच एवर इज लोअर डिस अलाउड निकालने के लिए पहले ले लो आप टोटल इंटरेस्ट माइनस थर्टी परसेंट ऑफ ई बी आई टी डी ए दूसरा इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज हियर टोटल इंटरेस्ट कम्स टू द एट करोड़ माइनस थर्टी परसेंट ऑफ ई बी आई थ्री करोड़ सो so बचा कितना फाइव करोड एंड इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज इज एट करोड लोअर कम्स टू फाइव करोड़ सो योर डिसअलाउड इंटरेस्ट विल बी फाइव करोड़ डिसलाउड इंटरेस्ट विल बी दाइव करोड़ एग्जाम्पल में दोनों वे से आंसर सेम आ रहा है बट ऐसा नहीं है कि दोनों बहुत बार ऐसा हो सकता है दोनों मैथ से आंसर अलग अलग आ सकता है इंडियन कंपनीज विच हैव टू पे इंटरेस्ट टू लैक एंड वन लैक आउटसाइड इंडिया टू मिस्टर पी अन रेजिडेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी ऑन द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड इन द जनवरी 2019 एंड अप्रैल 2019 थाउजेंड दो कंपनी है उन्होंने रूपी आरडी बी इशू किया और आरडीबी एक ने किया जनवरी 2019 में इशू और दूसरे ने किया अप्रैल 2019 में इशू Which ऑफ द following स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटिंग टू लाइबिलिटी ऑफ एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड टू डिडक्ट द TDS? TDS काटना है या नहीं पहली चीज तो एक बात बताओ आर पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है आंसर इज यस फाइव परसेंट से टैक्सेबल होता है और उसमें अगर सेट जोड़ोगे तो फाइव परसेंट प्लस आपका फोर परसेंट कितना फाइव परसेंट प्लस फोर परसेंट फाइव पॉइंट टू परसेंट आता है लेकिन आपको पता है एक वो एक्जेम वाला था एक पर्टिकुलर पीरियड में मोदी जी ने लाया था कि इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर आपने आरडीबी इशू किया इस पर्टिकुलर पीरियड में आपने आईडीबी इशू किया तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप कॉम्पैक्ट देखोगे तो कॉम्पैक्ट के सेकंड वॉल्यूम में आपको दे रखा है ऑन द पेज नंबर मैं भी भूल गया वो डेट एग्जैक्टली exactly. अगर आपको याद रहेगा तो आपको मैंने एग्जेम्प्ट इनकम का जो डिटेल दे रखा है ना वहीं पे है एग्जेम्प्ट इनकम को और मैंने वो ब्लू उसमें ग्रीन कलर से लिखा हुआ भी है हां ओ oh, देखो ये वाला ऑन द पेज नंबर 68 अगर आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट पेबल बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ द आरडीबी एज रेफर्ड इन 194 आईएलसी ड्यूरिंग द पीरियड बिगनिंग फ्रॉम 17 सितंबर 2018

रेंज कॉन्सेप्ट कौन सी मेथड पे लगता है आपको कप पे लगता है आरपीएम पे लगता है एज वेल एज टी पे लगता है और आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट स्प्लिट मेथड को छोड़ के सब पे लगता है प्रॉफिट कप पे लगता है मतलब प्रॉफिट स्प्लिट मेथड को छोड़ के सब पे लगता है अब एक बात समझना रेंज कॉन्सेप्ट में रेंज कॉन्सेप्ट में आप वो 35, 65 परसेंट की रेंज निकालते हो अब वो रेंज निकालने के बाद जो भी तुम्हारा जो तुम्हारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस अगर वो रेंज में आ जाता है अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस वो रेंज में आ जाता है तो एक्चुअल प्राइस 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 ही है। एक्चुअल अगर रेंज में नहीं फिट होता है रेंज इन दैट केस मीडियम विल बी योर ऑनलाइन प्राइस जो मीडियम है वो ऑनलाइन प्राइस होता है तो वो कब आता है जब वो रेंज में नहीं आ रहा तो देखो क्या लिखा हुआ है अगर मोस्ट अप्रोप्रियट मेथड आपका

रेंज बिटवीन थर्टी फाइव परसेंटाइल ऑफ डेटा सेट एंड एंडिंग विद्सा वो रेंज में आ रहा है देखो रेंज में आ रहा है तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है रेंज में आ रहा है तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है कोई नहीं लेना है है अब यहां, में में सात नंबर डेटा सेट रेंज लगेगा बट वो मीडियम लेना है नहीं क्योंकि वो रेंज में आ रहा है तो लेने की जरूरत नहीं लेकिन लास्ट वाले में कॉस्ट प्लस में आठ वैल्यू है डेटा सेट में इन डेटा सेट देर आर एट वैल्यूज बट क्या वो रेंज में आ रहा है आंसर इज नो देर इज नो दैट रेंज में नहीं आ रहा है। जो आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस वो रेंज में नहीं आ रहा है तो आपको मीडियम लेना पड़ेगा सो दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द पॉइंट दो फोर विल बी योर राइट आंसर दैट इज द पॉइंट नंबर फोर इज अ राइट आंसर पॉइंट नंबर में सी हा ऑनली फोर नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्वेश्चन या और भी एमसीक्यू अरे भैया और भी है बड़े MCQs दे रखे इस बार तो आर टीपी एमसी क्यूज है देखो नेक्स्ट पॉइंट लेकिन आपका काफी रिवाइज हो गया ना इससे चलो आकाश मेड द फॉलोइंग कैश विद्रॉ ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइनटीन ट्वेंटी देखो कैश विद्रॉल करते हो तो ये शायद टी डी एस से रिलेटेड सेक्शन है बैंक ऑफ इंडिया एक नई सेक्शन आई है वन नाइन फोर एन एंड वन नाइनटी फोर एन क्या बोलता है फर्स्ट सेप्टेंबर दो हजार बीस से आई है सॉरी फर्स्ट सेप्टेंबर दो हजार उन्नीस से 1 सितंबर 2019 से के पूरे साल में मिला के आपने अगर एक करोड़ से ज्यादा का किसी बैंक से कैश विद्रॉ किया तो उस केस में आपका टू परसेंट की रेट से बैंक टीडीएस काटेगी ठीक है लास्ट में पूछा क्या है वो देख लेते हैं विच ऑफ द अबोव पेयर आर रिक्वायर टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन द कैश विड मतलब कौन सी बैंक टीडीएस काटेगी तो देखो अगर मैं एक एक की बात करता हूं पहली चीज तो ये सेक्शन फर्स्ट सितंबर से आई है तो देखो फर्स्ट सितंबर के पहले के कैश विड्रॉल पे टीडीएस नहीं कटेगा फर्स्ट सितंबर के बाद के कैश विड्रॉल पे टीडीएस कटेगा और एक और चीज समझना फर्स्ट सितंबर के बाद के कैश विड्रॉल पे टीडीएस कटेगा लेकिन वन करोड़ का लिमिट देखते टाइम आप पूरे साल का कैश विड्रॉल देखोगे वन करोड़ का लिमिट देखते टाइम आप पूरे साल का कैश विड्रॉल देखोगे तो सबसे पहला देखो एक बैंक ऑफ इंडिया को पकड़ते अपन ठीक है तो बैंक ऑफ इंडिया दो जगह पे है एक तो यहां पे है और एक यहां पे बैंक ऑफ इंडिया से पहले 70 लाख विद्रॉ किया और दूसरा 50 लाख विड्रॉ किया और बैंक ऑफ इंडिया से किया क्या नहीं और बैंक ऑफ इंडिया से नहीं किया तो बैंक ऑफ इंडिया से दो कैश है सेवेंटी और फिफ्टी लेकिन एक बात बताओ ये दोनों आपके जो है ना ये तो फर्स्ट सेप्टेंबर से पहले है ये दोनों फर्स्ट सेप्टेंबर से पहले तो क्या इस पे टीडीएस कटेगा आपका कितना है सेवनटी प्लस आपका फिफ्टी में ट्वेंटी बट ये तो फर्स्ट से पहले है तो TDS नहीं कटेगा क्योंकि उस टाइम तो ये सेक्शन थी नहीं तो इन दोनों पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा दूसरी एस सी बी लेते हैं अपन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सो so, एस सी बी जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसको मैं मार्क करता हूं रेड कलर से पहला ये दूसरा ये एस सी बी एस सीबी एस सीबी तीसरा ये चौथा ये पांचवा ये अब आप टोटल करो एस सी बी से टोटल कितना विद्रॉ किया है तो एससीबी से आपने पहला विद्रॉ किया था फोर्टी फाइव लैख प्लस फिफ्टीन लाख प्लस 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 फिफ्टीन लाख प्लस फिफ्टीन लाख प्लस फिफ्टीन लाख ओ वन करोड़ फाइव लैख हो गया तो यहां पे टीडीएस आएगा आंसर इज यस आएगा वन करोड़ फाइव लाख है तो लिमिट देखते टाइम आएगा और जो लास्ट का सिर्फ लाख लाख है वो 5 पे टीडीएस कटेगा तो यहां पे आएगा तो मैं बता दूसरी के, के केस में कटेगा टी डी एस यहां पे लिख लेता हूं, के के केस में, yes. आएगा उसके बाद रेपको बैंक दैट इज को ऑपरेटिव बैंक है उससे आपने पहले सिक्सटी लैक विद्रॉ किया मैं इसको और दूसरे कलर से मार्क करता हूँ ब्लैक ये ले लेता हूँ नहीं कुछ और ऐसा ऐसा हाँ। रेपको बैंक पहला आपका 60 60 लाख लाख, 60 लाख, दूसरा 10 लाख, 20 लाख एंड 15 लाख, सो so 60 लाख प्लस 10 लाख प्लस 20 लाख प्लस 15 लाख ये भी 1 करोड़ 5 लाख हो गया यस yes, इस पे भी कटेगा कोई प्रॉब्लम नहीं तो रेप को बैंक उसके बाद एस बचा एस से एक ही एंट्री है लाख की शायद और 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 है और है और है, और और है तो तो exactly क्या अच्छा से है, तो तो करोड़ कैश विद्रॉ करना है एग्जैक्टली exactly वन करोड़ है तो आपको one, if cash withdraw is more than 1 करोड़ तब आपको एस काटना है वन करोड़ तक है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं तो एस से नहीं कटेगा तो दो पे कटेगा एक तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड वन इज द रेपको बैंक सो राइट आंसर इज एस एंड रेपको टू आर राइट मतलब लाइक एस सीबी एंड रेपको नेक्स्ट पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर नॉट अपीलेबल अंडर कमिश्नर अपील मीन ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो आप सीआईटी अपील में लेके नहीं जाओगे अपील में नहीं लेके जाओगे कहीं और जाओगे यह अपील नहीं होगी करके ठीक है अब एक बात बताओ सबसे पहले एन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन टू सेवेंटी टू गेट अकाउंट ऑडिटेड ये तो आपका ऑर्डर जो पास करता है वो कौन टैक्स ऑडिट नहीं करवाई तो एओ पेनल्टी लगाएगा अगेंस्ट जा सकते हो सी आई टी एपिल कोई दिक्कत नहीं ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन वन सिक्सटी थ्री ट्रीटिंग एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट अगर आपको नॉन रेजिडेंट का एजेंट डिक्लेयर कर दिया एओ ने तो आप जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ असिस्मेंट पास असेसिंग ऑफिसर इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डी आर पी एक बात बताओ डीआरपी के डायरेक्शन से AO ने किया, तो आप सीधा ऑर्डर पास होता है तो डायरेक्टली अपील नहीं जाओगे आप डायरेक्टली कहां जाओगे आई कहा जाओगे? जाओगे तो इस केस में आप सीधा आई जाओगे तो यह सीआईटी अपील में नहीं जा सकता बाकी असिस्टियन डिफॉल्ट बनाया टीडीएस नहीं काटा तो आप जा सकते हो सी अपील में कोई दिक्कत नहीं है चलो उसके बाद लास्ट टाइम सी ग्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू पावर ऑफ इनकम टैक्स टैक्सिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना विच मे बी यूजफुल इन द पर्प ऑफ द इनकम टैक्स एक बात बताओ अपन ने पावर जो देखे थे असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या पावर थे एक तो 131 का पावर था पावर ऑफ इंस्पेक्शन डिस्कवरी पंद्रह दिन बुक्स रखना एंड ऑल दैट वो पावर था 131 का अगर एक वन थ्री ए का पावर था सर्वे का पावर वन थर्टी थ्री बी का पावर था दैट इज पावर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन वो जाएंगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आएंगे वो जाएंगे एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आएंगे दैट इज दर्टी थ्री बी का पावर और वन थर्टी थ्री बी में जहां पे बिजनेस एंड प्रोफेशन कंडक्ट होता है वहां जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं क्या वहां से बुक्स वगैरह ला सकते हैं कि नहीं बुक्स वगैरह नहीं ला सकते और कौन से टाइम पे वो एंटर कर सकते हैं ओनली ड्यूरिंग द टाइम वेन दैट प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस तो देखो क्या लिखा हुआ है

जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हो तो आप बुक्स इंपाउंड नहीं कर सकते आप जो है वो बुक्स इंपाउंड नहीं कर सकते एंड लास्ट पार्ट द इनकम टैक्स ऑथोरिटी कैन ऑन नो अकाउंट रिमूव और फ्रॉम बिल्डिंग और प्लेस यस वो यहां से रिमूव नहीं कर सकते सो दिस इज द राइट सेंटर राइट सेंटेंस सो आई थिंक सेकंड एंड फोर्थ इज राइट सो सेकेंड एंड फोर्थ इज योर डी विल बी द राइट आंसर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो, तो कोई कोई नहीं है पहला कौश्चन, कौश्चन ये तुम्हारा जो केस है उसके बेस पे है कि अगर आपने पहले जो है वो आपने हंड्रेड परसेंट डिडक्शन ले लिया ए टी से रिलेटेड पांच साल में आप दस साल तक डिडक्शन ले सकते हो तो भैया सात साल फिर पहले हंड्रेड परसेंट था फिर आपने क्या किया Uh, क्या लगे तीन साल तक आपने जो लिया वो 25 परसेंट लिया फिर आपने कुछ एक्सटेंशन कर दिया तो वापस आप 100 परसेंट ले सकते हो आंसर इज यस आप दो साल 100 परसेंट ले सकते हो तो वो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है दूसरा आपका पीजीबीपी का क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है पीजीबीपी का क्वेश्चन है बड़ा वाला आप देख लोगे ये ट्रस्ट का क्वेश्चन तुम्हारा एक्रिएटेड इनकम वाला एक्टेड इनकम आजकल तो फेमस है इनकम से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे इनकम वन वन फाइव टी डी वाला करके ठीक है उसके बाद तुम्हारा ये क्वेश्चन असेसमेंट वाला है और उसने वो ये सेम क्वेश्चन है जो कंपाइलर में दे रखा है आप देखोगे तो ठीक है उसके बाद आपका अपील कब कर सकते हैं नहीं कर सकते क्या रेमेडीज है उसके बाद अगर टू नाइनटी टू अगर आपने नोटिस ही इश्यू नहीं किया तो नोटिस ही अगर मान लो असेसमेंट स्क्रूटनी करने के लिए नोटिस ही इशू नहीं किया क्या यह क्योरेबल क्या टू बीबी में बोल सकते हैं नहीं भैया है। ये केस लॉ बेसिक क्वेश्चन है उसमें केस लॉ है वो ये बोलता है कि आपने अगर नोटिस ही इशू नहीं किया आप ये नहीं बोल सकते कि भाई चलेगा कोई बात नहीं असेसमेंट पूरा हो गया तो नहीं आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा नोटिस इज अ मैंडेटरी थिंग उसके बिना आप असेसमेंट नहीं कर सकते उसके बाद ये सैलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है सैलरी से रिलेटेड बेसिकली नहीं बोल सकते डी टी डबल ए से रिलेटेड बोल सकते हैं सैलरी के कुछ पॉइंट है बट ये सब चीजें हैं वो आपके टैक्सेबल है ठीक है जैसे बेसिक सैलरी टैक्सेबल है डी ए टैक्सीबल है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल है एज वेल एज द आपका मेडिकल अलाउंस है ये भी टैक्सेबल है ये सब चीजें आपके लिए टैक्सेबल है करिएगा ठीक है आपने जो एल आई सी के अप्रूव्ड पेंशन फंड में डाला है इसका ए टी सी 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 में आप डिडक्शन ले सकते हो टू लैख जो है वो मेडिक्लेम प्रीमियम आपने पे किया है उसके मदर के लिए तो उसका आप जो है वो फिफ्टी थाउजेंड का डिडक्शन ले सकते हो अगर माता जी यहां पे है वो आपकी माता जी जो है वो अगर सीनियर सिटीजन है तो तो आप ये इसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है बाकी तो कुछ है नहीं द, द, अच्छा वाल ठीक है ये क्वेश्चन है वो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा यानी ये वाली बात सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर यी आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेना मैंने आपको एमसी की उसके जितने क्वेश्चन है मैंने एमसी की उसके क्वेश्चन आपको डेढ़ घंटा लिया डेढ़ घंटे में करवाया देखो मेन रीजन ये था कि आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि बार बार फिर आप मेल करोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया इस क्वेश्चन को कैसे किया गया तो मैंने ट्राई किया कि फटाफट आपको समझाने के लिए ठीक है सो थैंक्स अलॉट पीपल और आपके लिए अनाउंसमेंट क्या था वो मैं बता दू पहले यस yes, आपको बता दू कि लाइक मेरा एक स्टूडेंट है लाइक बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑब्वियसली सीए बन चुके हैं आप लोग भी इस अटैम्प में बनने वाले हो और उसके बाद आप भी कुछ ऐसा नया करोगे तो मेरे कुछ स्टूडेंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसमें से काफी लोग रैंकर है और काफी लोग फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं काफी लोग मल्टीपल अटैम्प वाले हैं सब लोगों ने मिलकर एक टेस्ट सीरीज के लिए पोर्टल स्टार्ट किया है ये मार्केटिंग है और मार्केटिंग के लिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है मैं आपको पहले बता देता हूँ ठीक है मेरे स्टूडेंट्स है जयपुर से है एक बंदा जिस जो हमारे साथ काम करता है आप जो रिप्ला आप जो डाउट पूछते हो बहुत बार मैं रिप्लाई करता हूँ बहुत बार वो रिप्लाई करते हैं दो तीन लोग हैं जैसे नयन है जो फर्स्ट रैंकर था वो भी रिप्लाई करता है आपको बहुत बार, बहुत बार मैं भी करता हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इतने सारे रिप्लाई कर पाऊँ तो वो लोग भी मेरा साथ देते हैं उन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया है दैट इज द स्टेप फ्लाई करके अभय करके नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने अपना एक पोर्टल स्टार्ट किया जहाँ पर टेस्ट सीरीज़ होती है तो टेस्ट सीरीज सी फाउंडेशन के लिए सी इंटर के लिए सी फाइनल के लिए बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर हमको आता है बट हमको लिखने का प्रैक्टिस करना है तो लिखने का प्रैक्टिस करना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकती हो वेबसाइट नहीं है एप्लीकेशन है अभी तक जो तुम्हारा गूगल प्ले स्टोर है वहां पर ही आपको एप्लीकेशन मिलेगा और वो एप्लीकेशन पर आप जो पेपर है वो पेपर आप लिख सकते हो उसका कोई चार्ज है वो वहीं पर आपको पता चलेगा लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं हमारे डायरेक्ट टैक्स के जितने भी बच्चे हैं वो उनको डायरेक्ट टैक्स का एक पेपर है वो फ्री देना पड़ेगा तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट टैक्स का पेपर मैंने बोला है उन लोगों को मैंने भी पेपर को चेक किया है अच्छा पेपर है आप जब भी तीन घंटा निकालो और वो तीन घंटे में वो पेपर को सॉल्व करने का ट्राई करो तो आपको वो पेपर और उसका सॉल्यूशन कहां पर मिलने वाला है स्टेप फ्लाई पर जाओगे आप लोग और ये गूगल पे आपका एप्लीकेशन है वहां से डाउनलोड करोगे और उसमें डी का पेपर और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा मैं ये चाहूंगा पहले आप पेपर लो उसको खुद सॉल्व करने का ट्राई करो फिर आप सॉल्यूशन देखो उसमें उन, उनका जो जो ये ये एप्लीकेशन है उसमें लोग रहते हैं उसके रीजन वगैरह भी बताते हैं कि कौन से रीजन से क्या आंसर आया क्यों आया एंड ऑल दैट थिंग सो अच्छा है आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो आप लोग एक बार देख सकते हो ठीक है सो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स इनफ फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन आई थिंक ये अपना आपके एग्जाम से पहले वाला लास्ट वीडियो सर लास्ट वाले में भी आपने ये बोला था ठीक है बट कोई बात नहीं ये समझ लो ये लास्ट वीडियो है आपके लिए और शायद एक बार टाइम मिला तो मैं बता दूंगा लास्ट डे पे आपको कैसे पढ़ना है दो तीन दिन में बट तीन दिन है अब उसमें क्या बताऊं तीन दिन में कैसे पढ़ना है पूरा पढ़ना है जो कॉम्पैक्ट कंपाइलर है आर टीपी एम है वो ढंग से पढ़ने हैं दोनों आरटीपी पढ़ने हैं ये वाला और मे वाला भी और दोनों एम जो इधर वाला अभी वाला एम आएगा पहले वाला एम है वो भी आपको पढ़ना है और पूरा बुक्स पढ़ना है तीन दिन का टाइम है आराम से पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सो so गाइस बाकी पढ़ते रहो आपको मोटिवेट मैं करता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है अब आपको खुद को मोटिवेट करना है खुश रहो पढ़ते रहो करके ठीक है थोड़ा नेगेटिव लोगों से दूर रहो और जो अपना फोकस है जो अपने को ये डिग्री चाहिए जिसके लिए इतने साल दिए हैं कितने साल दिए चार साल दे दिए अपने चार पाँच साल किसने छः साल दिए हैं सात साल दिए हैं मैं आपको इतना टाइम देने को थोड़ी बोल रहा हूँ अब तो मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ डेढ़ महीने ही तो देना है डेढ़ महीना और दे करने वाले स्पॉन्सर करूंगा जैसे ही आपका एग्जाम आज हो जाता है एग्जाम के बाद वी विल सेलिब्रेट हम लोग पार्टी करेंगे और अच्छी पार्टी करेंगे और आपके रिजल्ट के बाद तो बड़ी पार्टी करेंगे हम लोग ठीक है सो so, पीपल आप लोग पढ़ाई करते रहो और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन मैं भी प्रे करूंगा भगवान से कि आप लोगों को फटाफट पास करे ये वाले अटैम्प में सब लोग पास हो जाए ठीक है चलो थैंक्स अलॉट थैंक यू